हर एलपीजी यूजर्स के लिए खबर बेहद अहम है, क्योंकि यहां गैस कंपनियों ने रसोई गैस के 2 लाख कनेक्शंस केवाईसी और आधार कार्ड जमा ना होने की वजह से ब्लॉक कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि केवाईसी देने पर ही उपभोक्ताओं के कनेक्शन को फिर से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा आधार कार्ड जमा कराने पर ही उपभोक्ताओं को रसोई गैस वाली सब्सिडी उनके खाते में मिल पाएगी। आपको बता दें कि गाजियाबाद जिले में 10 लाख रसोई गैस के उपभोक्ता हैं और गैस कंपनियों ने कई बार केवाईसी और आधार कार्ड जमा कराने की तारीख आगे भी बढ़ाई थी, कई मौके भी दिए थे, लेकिन 2 लाख यूजर्स ऐसे रहे, 2 लाख उपभोक्ता ऐसे रहे जिन्होंने इस पूरे मामले को काफी हल्के में लिया और अब उनकी गैस बंद कर दी गई है। तो केवाईसी अब दोबारा भरनी होगी। जब केवाईसी आप भरेंगे तो दोबारा आपको फिर से गैस मिल सकेगी और साथ ही साथ आपको आधार कार्ड भी जमा कराना होगा, क्योंकि सब्सिडी तभी आपके खाते में जमा हो पाएगी। तो गाजियाबाद से खबर है, 2 लाख एलपीजी कनेक्शन ब्लॉक कर दिए गए, 2 लाख उपभोक्ता जो थे उनको जो एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे उनको बंद कर दिया गया है। अब दोबारा केवाईसी देनी होगी और फिर दोबारा आधार कार्ड जमा कराना होगा, उसके बाद ये गैस की आपूर्ति फिर से बहाल हो पाएगी। फिलहाल 2 लाख यूजर्स के लिए ये एक बड़ा झटका है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, 2 लाख उपभोक्ताओं को जो गैस मिलती है एलपीजी गैस उसको बंद कर दिया गया है, उनके कनेक्शंस को ब्लॉक कर दिया गया है। आधार कार्ड असल में जमा नहीं था, केवाईसी भी नहीं कराई गई थी, जिसकी वजह से गैस एजेंसीज ने इस तरह का कदम उठाया है। तो जो कनेक्शन केवाईसी अप्रूव नहीं थे, जिसमें आधार से लिंकअप नहीं था, उन कनेक्शंस को बंद कर दिया गया है। हालांकि इस बीच गैस कंपनीज लगातार चेताती रही, इंटीमेट करती रही, कई बार तारीख भी आगे एक्सटेंड की गई, तारीख को आगे बढ़ाया गया कि आपको अगली तारीख पे कम से कम ये कर देना होगा। इसी तरह से कई तारीख समय के तौर पर दी गई, लेकिन जो उपभोक्ता उदासीन रहे इस पूरे मामले की तरफ तो उनके कनेक्शन ब्लॉक कर दिए गए हैं। और इन यूजर्स की अच्छी खासी संख्या है, 10 लाख टोटल गाजियाबाद में एलपीजी यूजर्स हैं, जिसमें से 2 लाख को यह सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने केवाईसी फॉर्म नहीं भरा है, आधार कार्ड का लिंक नहीं कराया है, और जब तक इस फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं करेंगे तब तक उनको गैस नहीं मिल पाएगी।